स्वागत, स्वागत स्वागत आप सबका फिर एक बार आई एम डी वाई लाइव पे बहुत टाइम के बाद लगभग आई थिंक छ महीने के बाद मैं लाइव कर रहा हूं आज और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग जो हैं उनको आदत छूट गया है मेरे लाइव का एंड इसीलिए मैंने एक पोस्ट किया था जो लोग लाइक like कर रहे हैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच लाइक like करने के लिए एंड जितने लोगों के साथ आप इस स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए बिकॉज मेरी कोशिश यही रहेगी कि अब से जो है लाइव स्ट्रीम्स को हम रेगुलर कर दें एवरी वीक uh, मैं जानता हूं कि अभी आई भी चल रहा है तो लोगों का जो टाइमिंग है वीडियोज़ देखने का वो थोड़ा सा बदल गया है इसीलिए मैंने जो है शाम को इस टाइम पर लाइव रखा है ताकि आप लोग वीडियो देख सकें एंड वॉट एन एक्साइटिंग वीक ये रहा है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीक रहा है एप्पल के लिए ख़ास करके एप्पल का जो ऑफिशियल स्टोर है वो इंडिया में आ गया है दो जगह पे आ गया है एप्पल बी के सी मुंबई जहाँ पे मैं गया था और मैंने वीडियो भी उस पर बनाया था एक व्लॉग स्टाइल वीडियो बनाया था आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल पे देख लीजिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को या उस लिंक उस वीडियो के लिंक को डाल दूँगा ताकि आप जाके देख सकें कुछ लोग आ गए हैं अब लाइक्स भी हो रहे हैं मैं जानता हूँ कि आज थोड़ा सा धीमे चलेगा बिकॉज आदत जो है वो छूट चुकी है लाइव की यहाँ पे एक क्वेश्चन है राजेंद्र जी का आ, जो कहते हैं कि सर जी एप्पल स्टोर एप इंडिया में कब आएगा प्लीज़ रिप्लाई सो या सो एप्पल स्टोर का एक ऐप भी है आ, जो फॉरेन कंट्रीज़ में आपको दिखता है जहाँ से आप एप्पल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं आ, बहुत अच्छा सवाल है ये आई एम श्योर कुछ ही टाइम में ये भी इंडिया में एक्टिवेट हो जाएगा एप्पल स्टोर का जो ऐप है जिसकी मदद से हम लोग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं फिलहाल तो वेबसाइट ही है बट आई थिंक इन द नेक्स्ट वन और टू मंथ्स आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल uh, अनाउंसमेंट आएगा एप्पल की तरफ से जो ये कहेगा कि इंडिया के लिए अब आप ऑर्डर कर सकते हैं ऐसे और फिर अपने नियर बाय स्टोर से आप उसको पिकअप कर सकते हैं या वहाँ से आप उसको ले सकते हैं बुकिंग करके तो uh, बहुत अच्छा सवाल है राजेंद्र सिंह uh, uh, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब Uh, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स और इंडिया में आए और जो एक्सपीरियंस यूएस में या यूके में हांगकांग में सिंगापुर में uh, लोगों को मिल रहा है वो हमें भी मिले और आपने देखा ही था कि स्टोर का जो ओपनिंग था जो माहौल था जो एक्साइटमेंट था जो क्रेज़ था वो कैसा था एंड इट वॉज रियली स्पेक्टैकुलर हर्षराज यहाँ पे आ गए हैं हेलो सर जी कह रहे हैं हाय हर्ष कैसे हो एंड uh, आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखना कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस uh, एप्पल के स्टोर को देख के मुंबई का और दिल्ली का दोनों का कंपैरिजन मैं आपको क्विकली बता दूंगा अभी थोड़े टाइम में जस्ट uh, वेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग और ज्वाइन हो जाएं इस लाइव स्ट्रीम में लाइक नहीं किया है स्ट्रीम को तो अब भी क्या लाइक करो क्विकली जो है मैं बात करने वाला हूँ एप्पल स्टोर बी के सी वर्जेज एप्पल स्टोर साकेत uh, डेली में uh, अब ये जो वर्जेस है या जिसको कंपेयर कर रहा हूँ ये इन अ पॉजिटिव वे कंपेयर कर रहा हूँ किसी भी एंगल से किसी स्टोर को बड़ा या किसी स्टोर को कम नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे दोनों जो स्टोर्स हैं वो अपने आप में बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए गए हैं इंडिया में एंड इट्स बीन मतलब बनाया गया है इस टाइम से कि इंडिया के लिए बहुत ही नई चीज़ है एप्पल का फिजिकल स्टोर होना और बहुत पैशन से बनाया गया है दोनों भी स्टोर इनफैक्ट कल मैंने एक पोल किया था अपने यूट्यूब पे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ ये मैंने पोल किया था जहाँ पे आपसे मैंने पूछा था कि आप कौन सा प्रेफर करेंगे एप्पल स्टोर मुंबई बी या दिल्ली साकेत तो यहाँ पर तो प्रेफरेंस बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि सेवेंटी जो है उन्होंने बी को प्रेफरेंस दिया है आ, प्रोबली बिकॉज ऑफ़ द डेकोर या जो इंडोर्स जिस हिसाब से बनाए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है ऐसा मुझे लगता है ट्वेंटी सिक्स परसेंट जो है वो साकेत को है आ, अब आता हूँ मेरे रिव्यू पर दोनों स्टोर के बिकॉज़ मैंने दोनों स्टोर आ, एक स्टोर तो फिज़िकली देखा है क्योंकि मैं गया था वहाँ पर उसके लॉन्च पर एंड उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा अभी लेकिन आ, जो बीकेसी सी का स्टोर है वो एक ऐसे लोकेशन पे है जो काइंड ऑफ सेंटर पॉइंट है इनफैक्ट मुंबई अगर आप मुंबई से हैं तो आप जानते हैं कि मुंबई सेंट्रल मतलब तो वेस्टर्न ईस्टर्न ऐसे डिवाइडेड है एंड जो बीकेसी एरिया है वो एक तरीके से मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया स्ट्रेटिजिक uh, पॉइंट है जो एप्पल ने चूज़ किया है फॉर द स्टोर क्योंकि वहाँ पे जो ऑफिस गोवर्स हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे जो लोग बीकेसी के आसपास रहते हैं जैसे बैंड्रा हो गया या करला हो गया या चेंबूर हो गया या uh, जो ईस्टर्न साइड है या जो वेस्टर्न साइड भी है अंधेरी या गोरेगाव वैसे वाले साइड हैं वहाँ से भी लोग जो हैं आसानी से वहाँ बी uh, के सी पहुँच सकते हैं एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो एप्पल ने चूज़ किया है कि हम आ, इंडिया का सबसे पहला स्टोर जो है वो बीकेसी सी में ओपन करेंगे अब आते हैं बीकेसी सी स्टोर पे उसका जो स्टोर है वो जियो ड्राइव मॉल में है जो वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स है मुंबई में अभी एंड ओपन हो के आई थिंक एक एक या डेढ़ साल ही हुआ है इससे ज़्यादा हुआ नहीं है आ, जो लोकेशन है जो जहाँ पे उसको स्टोर को रखा गया है वो मॉल के अंदर नहीं है मतलब अगर आप चाहें तो मॉल के अंदर से भी एंटर कर सकते हैं लेकिन जो बेस्ट पार्ट है वो है कि आप डायरेक्टली अगर आप ऊबर ले रहे हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं या आप अपनी खुद की गाड़ी या खुद का व्हीकल भी लेके जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली स्टोर के अंदर जा सकते हैं जो एक स्पेशल गेट बनाया गया है apple के स्टोर के लिए जहाँ पे आप डायरेक्टली स्टोर के अंदर जा सकते हैं बिना मॉल में एंटर किए जो कि बहुत ग्रैंड लगता है जो मुझे लगता है कि एक एप्पल स्टोर का जो स्टैटर है या एप्पल स्टोर का जो लुक है जो फॉरेन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है ख़ास करके यूएस में आ, या पेरिस में तो वो जो लुक है वो मुंबई में बहुत ब्यूटीफुली निकल के आया है जहाँ पे एप्पल स्टोर एक अलग एंटिटी नज़र आता है एक एक जगह पे, जहाँ पे एप्पल का लोगो जो है बहुत ब्राइट दिखता है एंड इनवाइटिंग लगता है और लोगों को लगता है मैं यहाँ पे डायरेक्टली जा सकता हूँ मॉल के थ्रू जाना थोड़ा सा वो एकदम रिटेल वाला एक्सपीरियंस लगता है मुझे जो आज भी हमें मिल रहा है थ्रू थर्ड पार्टी आ, आ, सेलर्स एक कमेंट आया है जो मैं आ, ले लेता हूँ यहाँ पे मूवीज़ क्लब का मैक मिनी स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा सो मैक मिनी जो है uh, बहुत ही पावरफुल मशीन है बहुत इट इज़ द चीपेस्ट मैक दैट यू कैन गेट बट मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए मैक मिनी इतना बेटर नहीं रहेगा बिकॉज स्टूडेंट्स uh, जो हैं पोर्टेबल पोर्टेबिलिटी uh, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मेरे हिसाब से जैसे कि अगर आप कॉलेज uh, में स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं तो आप ट्रैवल uh, बहुत करते होंगे uh, घर से कॉलेज घर से स्कूल uh, वगैरह या अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको जो है काफ़ी पोर्टेबल मशीन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैक मिनी पोर्टेबल नहीं है इट्स लाइक अ डेस्कटॉप जहाँ पे आप मॉनिटर कनेक्ट करके या माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं लेकिन uh, फॉर अ स्टूडेंट आई थिंक मैकबुक एयर जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज अ डिवाइस जहाँ पे आप uh, उसको पोर्टेबिलिटी port भी आपको मिलती है एंड पावर ऑफ द मैक भी आपको uh, मिलता है राइट right? सो so, uh, वापस आते हैं हम लोग एप्पल स्टोर पे तो uh, मैंने कहा कि वहाँ का जो लुक है बहुत ही अच्छा है एक्सेसिबिलिटी बहुत सही है डायरेक्टली आप एप्पल स्टोर के अंदर एंटर कर सकते हैं जो uh, आप uh, जो इंडोर्स है एप्पल स्टोर का मुंबई uh, का खास करके वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है एप्पल uh, के सैन फ्रांसिस्को स्टोर से मैं मेरा मैं लकी रहा हूँ कि मैं वहाँ पे फिज़िकली मैंने सैन फ्रांसिस्को का जो स्टोर है उसको देखा है एंड जैसे उस उस स्टोर को बनाया गया है बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया गया है मुंबई के स्टोर के लिए भी एंड मुंबई uh, uh, का जो स्टोर है वो Uh, बहुत बड़ा है ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड स्क्वायर फीट है uh, बहुत स्पेशियस लगता है बहुत ज़्यादा स्पेशियस और स्पेस uh, आपको लगता है ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी भीड़ वाले एरिया में आए हैं खास करके जब आप कोई थर्ड पार्टी रिटेल स्टोर में जाते हैं जहाँ पे एप्पल के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं तो वहाँ पर आपको क्लटर थोड़ा महसूस होता है वहाँ पर भी एक्सपीरियंस अच्छा है ऐसा नहीं है लेकिन थोड़ा क्लटर आपको ज़रूर महसूस होता है क्योंकि जगह उतनी बड़ी नहीं होती है यहाँ पर दो फ्लोर्स हैं एप्पल स्टोर मुंबई के जो कि बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है बहुत ही स्पेशियस है सारे प्रोडक्ट्स के एक एक सेक्शन है उनको बहुत अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है जहाँ पे आप जा सकते हैं उनको फ़ील कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं टेस्ट आउट कर सकते हैं और फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन आप ले सकते हैं तो मुंबई के स्टोर में स्पेस मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से एक डेडिकेटेड सेक्शन भी है जहाँ पे आप टुडे एट एप्पल जो है जो एप्पल के ट्यूटोरियल्स आप मान लीजिए जो होता है वो आ, एक डेडिकेटेड सेक्शन है एक स्क्रीन के साथ तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में उसके अलावा आ, जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे एक्सेसरीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे मैं कहूँगा होम पॉड है एप्पल वॉच है वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं गेम्स के गेम्स का अलग से एरिया है म्यूज़िक का अलग से एरिया है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में तो आ, फ्राम अ स्पेस परस्पेक्टिव फ्राम एन एक्सपीरियंस परस्पेक्टिव आई थिंक मुंबई का जो स्टोर है वो थोड़ा सा बेटर है दिल्ली के स्टोर से बिकॉज अंदर आप ट्रीज भी देख सकते हैं और एप्पल का जो ट्रेडिशनल एप्पल स्टोर है जैसे सैन फ्रांसिस्को में है या जो उनके फ्लैगशिप स्टोर्स हैं वैसे मुंबई के स्टोर को डिज़ाइन किया गया है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में अब आते हैं एप्पल डेली साकेत पे जो कि एक मॉल में है सिटी वॉक मॉल में है सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में और वो जो है उसका उसका इंटीरियर मुझे थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लगा थोड़ा अर्बन लगा देख के वहाँ पर आपको ऐसा वाला लुक नहीं देखने को मिले जैसे मुंबई मुंबई वाले स्टोर में देखने को मिल रहा है जहां पे ट्रीज हैं हैं पे नेचुरल नेचुरल एलिमेंट्स लाइटिंग है बहुत बेहतरीन मटीरियल यूज किए गए हैं ग्लासेस यूज किए गए हैं स्टेयर केस के लिए वैसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा बट वहां पे भी एक लुक है जो कि बहुत अर्बन है बहुत अच्छा जाता है दिल्ली वाले मॉल के साथ और स्टाफ की मैं बात करूं तो मुंबई के स्टोर में आपको हंड्रेड एप्पल सपोर्ट एंप्लॉयज मिलेंगे जो लोग सत्रह uh, से बीस अलग अलग लैंग्वेज़ में बात कर सकते हैं जबकि दिल्ली वाले स्टोर्स में स्टोर में हमें सेवेंटी फ़ाइव एम्प्लॉज़ देखने को मिल रहे हैं जो कि फिर भी ज़्यादा है जहाँ पे इक्कीस हज़ार स्क्वायर फीट में आपको हंड्रेड एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं वहीं पे टेन थाउजेंड स्क्वायर फीट में आपको सेवेंटी फ़ाइव एम्प्लॉयज़ मिल रहे हैं तो यहाँ पर सपोर्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा है डेली में इन कंपेरिजन टू मुंबई ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उनसे बातें कर सकते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने Uh, सवालों के जवाब आप जान सकते हैं uh, डेली के स्टोर में भी मैं बोलूँगा जो uh, प्रोडक्ट्स रखे गए हैं बहुत अच्छी तरीके से रखे गए हैं प्लेसमेंट अच्छा है अलग अलग सेक्शंस हैं यहाँ पे भी छोटे छोटे सेक्शंस बनाए गए हैं फिर चाहे वो म्यूज़िक के लिए हो गेम्स के लिए हो एक पिकअप का अलग एरिया रखा गया है जहाँ पे आप uh, बुक कर सकते हैं अपने एप्पल प्रोडक्ट को और उसके बाद आप उसको पिकअप कर सकते हैं वहाँ से जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा टच है अब आते हैं दोनों दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मुझे पर्सनली मुंबई बीकेसी सी ज़्यादा अच्छा लगा बिकॉज वो एक ट्रेडिशनल एप्पल स्टोर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है इन टर्म्स ऑफ लुक फील एंड एक्सपीरियंस दिल्ली वाला स्टोर जो है वो ज़्यादा मुझे एज uh, अ मतलब अगर आप उसको कंपेयर करेंगे एक थर्ड पार्टी रिटेल से तो थोड़ा ही 19-20 का फर्क मुझे लगा है हाँ वहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल रहे हैं कलर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट्स की वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा एप्पल स्टोर दिल्ली में बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल एप्पल स्टोर एंड वो एक डेफिनेट एडवांटेज है एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है जो इंडियंस के लिए है वो है कि इंडियंस ने अभी तक इंडिया में एटलीस्ट जो लोग अब्रॉड गए हैं उन्होंने डेफ़िनेटली इसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया होगा और उन्होंने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है परचेज़ करने का किसी एप्पल स्टोर से या जाके सिर्फ टाइम बिता के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है किसी भी एप्पल यूज़र के लिए अब नॉर्मली अगर हम जाते हैं एप्पल स्टोर में तो वहाँ पे लोगों से बात करने का मौका मिलता है जो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको नॉलेज होती है चीज़ की जो कि मुझे एक काइंड ऑफ कंप्लेन रहा है इंडिया के थर्ड पार्टी सेलर्स में क्योंकि वो लोग सेल्स ड्रिवन होते हैं वो लोग सर्विस ड्रिवन या नॉलेज शेयरिंग ड्रिवन नहीं होते हैं अनफॉर्चुनेटली आप जो जो गेम है वैसे ही लोग खेलते हैं लेकिन एप्पल का एक एक डिफरेंस आप जरूर महसूस करेंगे जब आपको मौका मिलता है आप जाइए आइदर इन मुंबई और डेली वेर एवर यू आर कोशिश करिए देखने का कि लोगों के साथ कैसे इंट्रैक्ट करते हैं आप कैसे आ, आ, वो लोग आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं आपको नॉलेज देते हैं जो सेशंस होते हैं एप्पल के खास करके जो टुडे एट एप्पल है या जो लोग आके वहाँ पे सिखाते हैं चीज़ों को उसको एक्सपीरियंस करें वो आपको कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलने वाला है एंड ये आई थिंक एक गेम चेंजर होना चाहिए वेन इट कम्स टू एप्पल स्टोर सर्विस इन इंडिया जो मेरे हिसाब से हमारे लिए बहुत ज़्यादा हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं इस चीज़ को बिकॉज हम अपना हार्ड अर्न मनी जो है इतने महंगे प्रोडक्ट्स में हम लोग डालते हैं अगर आप अभी अभी ज्वाइन किए हैं इस स्ट्रीम को या आप इसको बाद में देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा इस वीडियो को बिकॉज़ यहाँ पर मैं खुल के अपने मन की बात कर रहा हूँ और आप लोग भी अपने क्वेश्चन जो हैं उसको क्वेश्चन बॉक्स में या अगर आप बाद में देख रहे हैं इस स्ट्रीम को तो आप कमेंट में डाल सकते हैं मैं ज़रूर उन क्वेश्चन के आंसर को दूंगा यहां पे एक और नया क्वेश्चन आ गया है मैं ले लेता हूं आ, लेकिन मैकबुक एयर का प्राइस बहुत ज्यादा है सर इसीलिए मैं मैक मिनी की बात कर रहा हूं मैकबुक एयर नाइन्टी के का 90K के और मैक मिनी सिक्सटी के का है मुझे घर पे बैठे बैठ के ही काम करना अगर आपको घर पे बैठ के काम करना है आ, तो आई थिंक मैक मिनी इज अ वेरी गुड ऑप्शन सिक्सटी के मैक मिनी का है उसके ऊपर आपको एक मॉनिटर भी लेना पड़ेगा मॉनिटर आप मान लो अगर आप बेसिक वाला मॉनिटर भी लेते हैं तो पंद्रह से बीस हज़ार रुपये तो आपके खर्च होने ही वाले हैं उसके अलावा अगर आप माउस लेते हैं कीबोर्ड लेते हैं अगर आपको एप्पल का माउस और कीबोर्ड चाहिए तो मोटा मोटा अस्सी हज़ार तक तो आपका खर्चा हो ही जाएगा अस्सी हज़ार से ज़्यादा ही होगा अगर आप ओरिजिनल मैक का कीबोर्ड और माउस लेने वाले हैं तो इसीलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि पोर्टेबिलिटी आपको मिल जाती है मैकबुक एयर से क्योंकि मैक मिनी सिर्फ अलोन मैक मिनी नहीं है उसके साथ आपको कीबोर्ड माउस और मॉनिटर भी लेना पड़ता है और एक वेब भी लेना पड़ेगा आपको अगर आप ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन ट्यूशन्स या ऑनलाइन सेशंस आपके हैं तो आपको एक वेब भी अलग से लेना पड़ेगा जो कि एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन द मैकबुक एयर जहाँ पे आपको ना कीबोर्ड लेने की ज़रूरत है ना मॉनिटर लेने की ज़रूरत है ना माउस लेने की ज़रूरत है और ना ही वेब लेने की ज़रूरत है तो मैक मिनी जो है वो इंडिविजुअल खाली एक इंडिविजुअल डिवाइस नहीं है उसके साथ बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस आते हैं जिनको अगर आप ऐड करोगे तो आप उसी मोटा मोटा नंबर पे पहुंचोगे जहां पे मैकबुक एयर है या उसके नीचे थोड़ा बहुत नीचे पहुंचोगे लेकिन वो डिफरेंस है कि वो एक्स्ट्रा पैसे आप पोर्टेबिलिटी को दे रहे हैं इसीलिए मैंने मैक मिनी को से ज्यादा प्रेफरेंस मैकबुक एयर को दिया आई होप मैं समझा सका हूँ अपना आंसर आपको राइट right? उसके अलावा जो है बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहा है बहुत लोग ये सवाल भी पूछते हैं मुझसे खास करके जब मैं वहाँ गया था एप्पल के लॉन्च पे वहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसमें ये लॉन्च के बाद क्या हमें एप्पल के प्रोडक्ट्स के प्राइजिंग में कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा क्या प्राइसिंग कम होने वाली है आईफोन की क्या कुछ ऐसा होने वाला है तो यार इसका सीधा आंसर नहीं है अभी फ़िलहाल बहुत लोग इसको हाँ कह देते हैं बहुत लोग इसको फ्लैटली ना कह देते हैं दोनों का जो कारण है वो मैं बता देता हूँ आपको ना इसके लिए कहते हैं लोग क्योंकि 2017 से जो है एप्पल इंडिया में आईफोन्स प्रोड्यूस कर रहा है आ, उनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स नहीं मतलब मेन मेन आईफोन नहीं वो एक वर्जन पहले का मॉडल हमेशा एप्पल प्रोड्यूस करता रहा है लेकिन उनमें कभी भी आपको प्राइस ड्रॉप नहीं देखने को मिला है इमीजिएटली इट टेक्स टाइम प्राइस ड्रॉप होने में अगर आप भी देखेंगे तो आईफोन जब लॉन्च होता है सितंबर में तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीक सीजन होता है एंड बाय जनवरी 26 सिक्स जहाँ पर रिपब्लिक डे का सेल आना शुरू हो जाता है वहाँ से आपको एक ड्रॉप देखने को मिलता है प्राइजिंग में यहाँ पर मैं मैं पॉजिटिव इसके लिए हूँ कि एप्पल Uh, इंडिया में इतना फोकस अभी लेके आ रहा है कि स्टोर uh, उन्होंने लेके लेके आ गए हैं नए स्टोर्स भी खुलेंगे अभी आई एम श्योर एंड uh, प्रोडक्शन भी जो है एप्पल कंप्लीटली अब उसको शिफ्ट करने की सोच रहा है या शिफ्ट कर देगा इंडिया में बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ाइव अगर आंकड़े में बोलूँ तो अराउंड 25 फाइव टू थर्टी परसेंट इंडिया से ही प्रोड्यूस होने वाला है बाय 20 बाय uh, 2025 जो कि बहुत ही अच्छा साइन है एंड अगर इंडिया में फ्लैगशिप यानी कि अगर आईफोन फिफ्टीन लॉन्च पे इंडिया में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि उसका प्राइस जो है वो एग्जिस्टिंग आई फोन फोटीन ऐट द टाइम ऑफ लॉन्च उसके प्राइस से बहुत कम होने होगा उसके चांसिस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सारे पार्ट्स जो हैं वो आ, इंडिया में ही असम्बल हो रहे हैं आपको एडिशनल टैक्सेस नहीं देने की ज़रूरत है इम्पोर्ट ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा एक एडवांटेज साबित हो सकता है इंडियंस के लिए जब आ, अगर वो इंडिया में मेड इन इंडिया वाला आईफ़ोन ख़रीदते हैं एस्पेशली जो उस टाइम का रनिंग मॉडल है या फ्लैगशिप मॉडल है जैसे कि इस साल आई 15 आ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसिंग में डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको 100 परसेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे आई 14 के प्राइसेस में अब अब जो है गिरावट आना शुरू हो जाएगी जैसे ही मे का महीना आ जाएगा जून का महीना आ जाएगा आप देखेंगे कि आई फोन फोर्टीन फोर्टीन प्रो फोर्टीन प्रो मैक्स आई फोन फोर्टीन प्लस इन सारे फ़ोन्स के प्राइजिंग में भी गिरावट आना शुरू हो जाएगा जो कि हर साल होता है लेकिन जैसे जैसे इंडियन मेड आईफोन्स की uh, की कैपेसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपको नए फोन्स के मॉडल्स में भी प्राइजिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ नथिंग एल्स बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी एंड द टैक्सेशन जो लेवी होता है जब फोन इंडिया में आता है कहीं बाहर से सिंपल मैथमेटिक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यहाँ पे कोई जियो या कोई वो वाला ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको सिंपल लॉजिकल बात कर रहा हूँ हाँ ये एप्पल पे डिपेंड करता है कि क्या उनको उनका प्राइजिंग ज़्यादा रखना है कि नहीं रखना है अगर वो डिसाइड करते हैं कि मैं प्राइस ही इंक्रीज कर दूंगा इंडिया में और अभी जो प्राइजिंग है मैं उसी पे रखना चाहूँगा देन देर इज़ नो दर इज़ नो डाउट और दर इज़ नो क्वेश्चन कि प्राइजिंग कम होगी या नहीं होगी वो प्राइजिंग उतनी ही रहने वाली है क्योंकि ये वो एक बिजनेस डिसीजन होगा एप्पल की तरफ से ना कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन इंडिया के लिए कि अगर इंडिया में वो चाहते हैं कि मार्केट शेयर बढ़े क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लोग आईफोन्स लेना चाहते हैं एस्पिरेशनल ब्रांड है लेकिन सिर्फ प्राइस के वजह से लोग रुक जाते हैं और जो कि सही भी है बिकॉज आईफोन्स काफ़ी महंगे हैं इन कंपेरिजन टू एंड्रॉयड फ़ोन्स अगर हम बात करें हाई एंड फोन्स के बारे में भी ठीक है यहां पे ए आई ओ ए के ने एक सवाल लिखा है टेकन एवरी प्रिकॉशन ऑफ फॉर बैटरी लाइक चार्जिंग हीटिंग नॉट प्लेड अ सिंगल गेम ये फोर्टीन प्रो मैक्स बैटरी हेल्थ रिड्यूसिंग इट्स अ न्यू फोन बेरली टू मंथ्स ओल्ड ओके सो अगर आपने सारी चीजों का ध्यान रखा है uh, देखो आप अब अगर आप आप अगर पहले बता दो आप कहाँ से हो आप मुंबई से हो या दिल्ली से अगर आप मुंबई या दिल्ली में से एक जगह में से हो तो ये बहुत सही मौका है आपको जाके टेस्ट कराने का अपने आईफोन को एप्पल स्टोर में डेफ़िनेटली वो आपको एक अच्छा सजेशन देंगे इसमें लेकिन अगर आपका ऐसा गिरावट आया है डेफिनेटली इतना जल्दी आपके आईफोन के बैटरी हेल्थ में ड्रॉप नहीं आना चाहिए इसका बहुत ज़्यादा एक रीज़न ये भी होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो भी उसका जो हीट है वो भी इफ़ेक्ट करता है आप कैस किस टाइप का केस इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है लेकिन मैं मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपने सारा प्रिकॉशन लिया है तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपने चार्जिंग पैटर्न आपने ध्यान दिया है आपने गेम नहीं खेला है आपने केस में चार्ज नहीं किया है फ़ोन आप बाहर ज़्यादा घूमते नहीं हैं अगर आप बाहर ज़्यादा घूमते हैं तब भी हीट जो है वो उससे फ़र्क पड़ता है आपके बैटरी के हेल्थ पे जैसे कि मैं फ़िलहाल सिर्फ वर्क फ्रॉम होम करता हूँ मैं इतना बाहर जाता नहीं तो मेरा जो बैटरी एक्सपोजर टू हीट है वो इतना ज़्यादा नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो भी जो है वो भी इफेक्ट करती हैं लेकिन मेरा सिंसियर सजेशन आपको ये है ए आई ओ एक कि आप हाँ मेरा सिंसियर सजेशन आपको ये है कि आप ट्राई करें एक बार एप्पल स्टोर जाके अपने फ़ोन को चेक करा लें कि क्या प्रॉब्लम है क्योंकि इतना ड्रॉप आपकी बैटरी हेल्थ में नहीं आना चाहिए कंसिडरिंग uh, की आपने प्रकॉशन सारे लिए हुए हैं uh, मैं इलेवेंथ क्लास का स्टूडेंट हूं सर और आईफोन थर्टीन और आईफोन 14 फोर्टीन ले देखो अगर आपको फोर्टीन लेना है थर्टीन तो अभी मत लेना अगर आपको फोर्टीन लेना है तो जून के पहले ले सकते हैं आप दैट्स द बेस्ट टाइम टू बाई क्योंकि प्राइजेस गिरना शुरू हो जाएंगे एंड uh, uh, उसके बाद अगर आप लेना चाहें तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से उन्नीस बीस का मामला हो जाएगा बिकॉज सेप्टेम्बर में नया फ़ोन आ ही जाएगा जुलाई अगस्त दो ही महीने बचते हैं उसके बाद सेप्टेम्बर में आईफोन फिफ्टीन आ ही जाएगा तब आपको लगेगा कि यार मैं दो महीने और रुक जाता शायद फिफ्टीन ले सकता था या फोटीन नहीं ले सकता था ऐसा कुछ आपके मन में आना शुरू हो जाएगा अगर आपको अभी लेना है तो आप फोटीन ले सकते हैं बहुत अच्छा फोन है हाँ मुझे बैटरी का जो इशू है वो रिसेंटली मैंने बहुत देखा है कि लोगों को बैटरी के इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं आफ्टर द आई ओ एस सिक्सटीन पॉइंट फोर अपडेट बैटरी उसके वजह से बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है एंड uh, बैटरी हेल्थ पे भी लोगों के फ़र्क पड़ा है बट ये हर साल होता है नई बात नहीं है हर साल मार्च अप्रैल के महीने में जब ये वाला अपडेट आता है पॉइंट का किसी भी आई का तब बैटरी हेल्थ ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाती है मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि बैटरी हेल्थ कैलकुलेट कैसे होती है आप कैसे उसको देख सकते हैं ये भी चीज आप देख सकते हैं मूवीज क्लब आपके आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर आपको लेना है तो आप जून के पहले फोर्टीन जरूर ले ले सकते हैं उसके बाद अगर आपको लेना है तो रुक जाओ मेरे हिसाब से फिर फिफ्टीन आने के बाद आप फोर्टीन ले सकते हैं कम प्राइस पे uh... मेरे फ़ोन के साइड का कलर फेड हो हो जा रहा है आ, ये बहुत बहुत ही ख़राब चीज़ है अगर आपको अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आप अपने फ़ोन को ज़रूर दिखा सकते हैं एप्पल स्टोर के या थर्ड पार्टी रिटेल स्टोर में भी जाके आप दिखा सकते हैं जहाँ पे भी आपने जहाँ से भी आपने फ़ोन लिया है तो उसको उनको डेफिनेटली केटर करना पड़ेगा बिकॉज ये फिजिकल प्रॉब्लम है फ़ोन के साथ जो कि नहीं होना चाहिए अगर कलर आपका आपके आईफोन का फेड हो रहा है गाइज uh, अगर अभी अभी आप आए हैं तो प्लीज़ आप लाइक uh, like ज़रूर करिए स्ट्रीम को uh, यहाँ पे श्रीकांत का भी एक क्वेश्चन आ गया है सर प्राइस कब कम होगी अब इंडिया में प्राइस कम होगी दोस्त प्राइस आपको थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिलेगा आफ्टर मे जून ड्यूरिंग मे जून आपको दिखेगा कि प्राइसेस कम हो रहे हैं आई 14 के ख़ास करके आई 13 का प्राइस ड्रॉप तो ऑलरेडी होना शुरू हो गया है एंड मेरा मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेके कि जब इंडिया में फ़्लैगशिप आईफोन्स बनना शुरू हो जाएंगे फ्लैगशिप का मतलब ये है कि उस टाइम का जो करंट मॉडल है वो जब मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएगा तब आप देख सकते हैं डिफरेंस जो है कि जिस प्राइस में यूएस में बिकता है आईफोन उसी प्राइस पे या उसके सिमिलर या डायरेक्ट कन्वर्जन पर इंडिया में भी बनना इंडिया में भी आईफोन मिलना शुरू हो जाएगा तो मेरे हिसाब से Uh, जो करंट रीच है आईफोन का वो ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जो अब रीच है मतलब जो लोग ले पा रहे हैं आईफोन वो ज्यादा पाई जो है वो बढ़ जाएगा तो मई जून से आप डेफिनेटली प्राइजेस uh, में डिक्रीज देखना शुरू कर सकते हैं एक सेकेंड सेकेंड एक मिनट पानी पी लो जरा सेकेंड हैंड मैकबुक फॉर वीडियो एडिटिंग लेना चाहिए लोकल सेलर से एज अ ट्रस्ट वर्दी टेल सम जेन्युन प्राइज फिगर्स एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बाइंग सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स ओके तो सबसे पहली बात अगर आप सेकेंड हैंड मैक लेना चाह रहे हैं तो उसके भी डेडिकेटेड री सेलर्स होते हैं डेडिकेटेड सेलर्स होते हैं जो लोग ऑफिशियली इसको करते हैं आप मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक सेकेंड हैंड मैकबुक लें किसी भी रीसेलर से जो बाकी प्रोडक्ट्स में बेचते हैं देर आर देर आर डेडिकेटेड सेलर्स इन इंडिया इन मुंबई इन दिल्ली एवरीवेयर जहाँ पे आपको जो स्पेशलाइज करते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स में सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स सेल करना या रीसेल करना तो वो पहले आप देख लीजिए कि बंदा कौन है किस से आप ले रहे हैं सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आप फेस करेंगे आप देखेंगे सेकेंड हैंड में वो है कि बाहर से कंडीशन बहुत अच्छी लगती है लेकिन इंटरनल्स आपको नहीं समझ में आता है फिर चाहे वो आईफोन हो या मैक हो ठीक है तो उसमें आपको एहतियात बरतना पड़ता है कि बैटरी कैसी है आपको ऐप्स uh, चला के देखने पड़ते हैं उसमें जितना भी टाइम आपको मिलता है वो आपको करके देखना ही पड़ेगा बाकी मैं फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज आप सब स्मार्ट हैं आप लोग डेफिनेटली जब भी कोई चीज़ सेकेंड हैंड में ख़रीदते हैं तभी आप फिज़िकल एस्पेक्ट्स उसका डेफिनेटली देखते हैं कि क्रैक तो नहीं है स्क्रैच तो नहीं है डेंट तो नहीं है ये सारी चीज़ें तो आप डेफिनेटली देखोगे लेकिन जो यूसेज है वो आपको देखना पड़ेगा कि इसकी वारंटी कब खत्म हुई इसमें कोई काम किया गया है कि नहीं जो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि अगर आप एप्पल के अबाउट दिस मैक में जाएं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलता है प्लस अगर आप एप्पल के वेबसाइट पर जाके और सीरियल नंबर डालें या उसका प्रोडक्ट कोड डालें तो आपको समझ में आता है कि इस मैक में क्या क्या काम हुआ है अगर ऑफिशियली कराया गया है तो और जो कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप ऑफिशियल रीसेलर के पास जाएं जहां से आप इसको ख़रीद सकते हैं क्योंकि नॉर्मल वन टू वन बाइंग आप मत करिए वो ज़्यादा वो बेटर नहीं है तो वो सारी चीज़ें आपको एहतियात बरतनी पड़ेंगी कि इस पर क्या क्या काम हुआ है जो आप शायद नहीं जानते हैं या बाहर से आप गेज या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं तो ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है कि जो आदमी नए आईफोन्स नए मैक्स बेच रहा है जो ऑफिशियल रीसेलर है उन्हीं के पास जो है जो रीसेलर जो लोग आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मैं अपना नया आईफोन लेता हूँ या मैक लेता हूँ तब मैं एज अ एक्सचेंज बाय लेता हूँ हमेशा ताकि मुझे रीसेल वैल्यू भी मिले मेरे पुराने प्रोडक्ट का और नए प्रोडक्ट में मुझे डिस्काउंट भी मिले या मैं कम प्राइस पे करूं उसका तो ऐसे वाले लोगों के पास जाके आप खरीद सकते हैं जहां पे जो इकोसिस्टम में है जो जानते हैं कि आ, आ, उन्हीं उनका डेली काम है सेल या बाय करना उनके पास जाके आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं जो ऑफिशियली इसको करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं मुंबई में आपको कनेक्ट करूं ऐसे लोगों के साथ तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम हैंडल आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे है आई एम डी वाई प्रो ही है वहाँ जाके आप मुझे डीएम कर सकते हैं वत्सल्य सिंह इज आस्किंग बेस्ट मैकबुक फॉर स्टूडेंट्स तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि जो बेस्ट मैकबुक फॉर स्टूडेंट्स है वो मैकबुक एयर है पोर्टेबल uh, है लाइट है स्टूडेंट्स uh, के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है आप उसमें अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं एक्सेल में काम कर सकते हैं वर्ड पे काम कर सकते हैं पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं या आप अगर uh, इस साइड ऑफ द लाइन है जहाँ पे आप ऐप्पल के प्रोडक्टिविटी uh, सूट को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि की नोट पेजेस या नंबर्स तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं वेब ब्राउजिंग आप कर सकते हैं आप डिज़ाइनिंग uh, उस पर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स का आप प्रजेंटेशन्स uh, बना सकते हैं आप कोडिंग भी कर सकते हैं आप मैक पे तो मैकबुक एयर आई थिंक इज़ द बेस्ट सूटड मैक फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ एनी एज Uh, अगर फोटीन ले येलो कलर का तो कौन सा केस यूज़ करूँ तो स्पिजिन का जो केस है जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ स्पिजिन का मॉडल uh, उसको डेफिनेटली आप ट्राई करिए बहुत अच्छा केसेस बहुत अच्छा केस बनाते हैं वो लोग uh, और ये इंडिया में डेफिनेटली uh, केस के बिना काम चलता नहीं है तो डेफिनेटली अगर आप uh, ट्रांसपेरेंट वाला केस लेना चाहते हैं ताकि आप येलो कलर उसको दिखा सके तो स्पिजिन का बहुत अच्छे अच्छे केसेस आते हैं कुछ ऐसे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि कलर भी आपका नज़र आए उसमें और जो बेजल्स हैं वो भी कवर्ड रहें यूजिंग द व यू से द कवर तो बेजल्स भी जो कवर्ड रहे प्रोटेक्टेड रहें तो स्पिजिन के केसेज आप देख सकते हैं अमेजोन पर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अगर आप स्पेसिफ़िक कोई चाहते हैं तो आप डी मुझे कर सकते हैं मैं लिंक आपको सेंड कर सकता हूँ उस पर मैक मिनी में क्या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बिल्कुल सही रहेगा दोस्त मैकबुक प्रो मैकबुक प्रो हो या आई uh, मैक हो या मैक मिनी हो सारे मैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा uh, सही रहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग तो डिज़ाइनिंग में ज्यूम कर रहा हूँ कि आप फोटोशॉप करते हैं कोरल ड्रॉ करते हैं uh, या आप uh, uh, यू you नो know, ऐसे वाले काम करते हैं जहां पे आपको कुछ क्रिएट करना है तो उस सिचुएशन में मैक मिनी बहुत अच्छा है लेकिन आपको अच्छे मॉनिटर में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आप मैक मिनी ले रहे हैं ताकि आप उस रेजोल्यूशन का फायदा उठा सकें जो मैक मिनी प्रोवाइड करता है और आप अपने अगर ग्राफिक को ग्राफिक जो भी डिजाइन कर रहे हैं आप उसको सही तरीके से प्रेसिजन के साथ डिजाइन करना चाहते हैं तो आपको अच्छे मॉनिटर में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ओके okay. ए हाई यश हव यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सिक्स मंथ्स के ब्रेक के बाद रीडी सर लाइव अगेन जी हाँ मैन मैंने लाइव के पहले ही बोला था छः महीने हो गए हैं लाइव सेशन करके एंड आई थिंक अभी हाई टाइम है कि वापस लाइव शुरू करना है एंड मेरे को लगा था ये बेस्ट टाइम है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी छः महीने में शेड्यूल मेरा चेंज हो गया था मैं अब प्रोफेशनली यूट्यूब कर रहा हूँ प्रोफेशनली कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ पहले मेरा एक जॉब था तो मेरा एक अलग शेड्यूल था अब शेड्यूल थोड़ा सा अलग है थोड़ा सा इराटिक है तो मैं इसीलिए इतना दिन मैंने लाइव किया नहीं प्लस बीच में आई भी शुरू हो गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि दोपहर में या सॉरी शाम में लोग देखना पसंद करेंगे लाइव तो इसीलिए मैं टाइमिंग देख रहा था कि कब कर सकते हैं आज भी मैंने जान के ये थोड़ा सा अटपटा सा टाइम लिया है छः बजे का बिकॉज सेवन थर्टी के बाद लोग बिजी हो जाएंगे बट लाइव्स जो है अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम लोग इसको रेगुलरली करें आइर ऑन अ फ्राइडे और अ सैटरडे मैं पोल डाल दूंगा YouTube पे ताकि आप लोग मुझे आ, सजेस्ट करें कि कब हम लाइव कर सकते हैं आ, ओके uh, वत्सल्य सिंह लिख रहे हैं इम, इम्पॉर्टेंट मैकबुक फॉर बीटेक सीएससी स्टूडेंट्स सी स्टूडेंट्स तो मैकबुक एयर ले लो आप मैंने अभी बोला था कि मैकबुक एयर स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है इनका एक और क्वेश्चन है मैकबुक एयर वॉजेज एम टू मैकबुक एयर वॉज एम टू मैकबुक प्रो मैं स्टूडेंट्स के लिए मैकबुक एयर ही प्रेफर करूंगा बहुत सफिशेंट uh, मशीन है मेरे हिसाब से प्रो की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज uh, है तो वो एम टू चिप ही उसमें डिज़ाइन uh, ज़्यादा बेटर लगता है मुझे मैकबुक एयर का काफ़ी पतला है पोर्टेबल है तो एज अ स्टूडेंट आई विल रिकमेंड द मैकबुक एयर टू यू वेरी वेरी द एम टू वन इज वेरी गुड ओके हर्ष हाय हर्ष कैसे हो बहुत दिन के बाद तुमको भी मैं देख रहा हूँ आज सर प्लीज सजेस्ट फ्री विजिट एप दैट शोज वाईफाई यूसेज और एनी अदर ऑल्टरनेटिव मेथड सो मैं मैं जो नॉर्मल uh, वीडियोस बनाता हूं एप्स दैट यू मस्ट डाउनलोड उसमें मैं ऐसा वाला एक वीडियो ज़रूर उसमें एक ऐसा वाला ऐप ज़रूर डाल दूंगा मैं इसको फेवरेट कर रहा हूं इस कमेंट को ताकि मैं बाद में जाके इसको रेफ़र कर सकूं डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा मैंने एक्चुअली कुछ यूटिलिटीज़ बताए थे जहां पे आप खास करके आईफोन फोर्टीन प्रो के लिए मैंने बताया था बट बत, या सो so, विजिट करके था विजिट विजी या विजिट कुछ था वो आप देख सकते हो Uh, w I D G Y करके है वो आप चेक कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेडिकेटेड वीडियोज पर बने तो मैं जरूर बना दूंगा आपके लिए गाइज अगर आपको स्ट्रीम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए बहुत टाइम के बाद लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं मैं भी नर्वस हूं प्लीज़ इसको लाइक करिए शेयर करिए लोगों के साथ जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जुड़ना चाहते हैं जिनके पास सवाल हैं लेकिन सवाल पूछ नहीं पा रहे हैं तो वो सब चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं मैं हर वीक आता हूँ इस तरह से आपके सवालों के जवाब देता हूँ बहुत मजा मुझे आता है तो प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करना भूलना मत आ, हाँ तो कौन सा मॉनिटर ले सैमसंग या एल मैं प्रिफर हमेशा करूंगा कि आप एल का मॉनिटर खरीदें बिकॉज मैंने उसको यूज़ किया हुआ है एल जी मोनिटर्स जो अच्छे वाले मॉनिटर्स हैं फोर के खास करके वो अराउंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ में भी आपको मिल जाते हैं अभी वो आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं आ, अच्छा क्वालिटी आपको आउटपुट मिलता है कलर आउटपुट आपको देखने को मिलता है अगर आप डिज़ाइनर हैं तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो एल मैं रिकमेंड करूंगा एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे हमेशा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एल के साथ सैमसंग ठीक है आ, देखो वत्सल्य अगर आपको आप स्पेस जी के पूछ रहे हैं कि इतना आपको चाहिए ना तो रिकमेंडेड हमेशा ये रहेगा कि आप आ, ज्यादा स्पेस के लिए जाएं लेकिन मैं आपको एक हैक बता देता हूँ कि जो मैं यूज करता हूँ तो जब मेरे पास ऑप्शन आया था जब मेरे पास मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था फाइव वाला मैक तब मैंने बहुत सिंपल तरीका लाइक like मेरा जो आई है वो भी टू ही है राइट right? और मेरा पूरा यूट्यूब का फंक्शन मेरा पूरा कॉर्पोरेट का फंक्शन मेरा पूरा जो डिज़ाइनिंग का फंक्शन है जो भी मैं काम करता हूँ वो सब इसी आई से होता है लेकिन ये फिर भी ये टू फिफ्टी पे है और इसमें मैंने काफ़ी पैसा जो है सेव किया है और उस पैसे को सेव करके मैंने इन्वेस्ट कर दिया एक अच्छे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में जो कि एक एस हार्ड ड्राइव है सैंडस् का तो ये मैं लोगों को हमेशा रेकमेंड करता हूँ और ये लोग के मन मतलब लोगों के मन में डाउट होता ही होता है कि क्या मैं मुझे फाइव वन टू जी बी लेना चाहिए एक्स्ट्रा उतने पैसे डाल के एक मैक में या टू फिफ्टी सिक्स लेना चाहिए तो मैं रेकमेंड आपको ये करूँगा कि आप टू फिफ्टी सिक्स जी बी से भी काम कर सकते हो प्रोवाइडेड आपके पास एक बढ़िया एस एस डी है वन टी बी या टू टी बी का वो मैं डेफ़िनेटली आपको रेकमेंड करूँगा वो मेरे हिसाब से एक चीपर और एक बहुत इकोनॉमिकल ऑप्शन होगा आपके लिए अगर आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अपने काम के लिए तो और आपको उसमें फुल मतलब जो एक्सपीरियंस भी मिलता है वो भी सीमलेस मिलता है जो चीज़ें उसमें से लॉन्च होती हैं फिर चाहे वो फोटोशॉप के इमेजेस हो या फिर वो फाइनल कट प्रो के इमेज फाइल्स uh, uh, हो जो मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा सब एक्सटर्नल ड्राइव पे ही है और जो यूसेज है जो काम है एक्सपीरियंस है वो सीमलेस है बिल्कुल भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा तो टू फिफ्टी सिक्स टू फाइव वन टू जी मैक का जो डिफरेंस है प्राइस में उसके अंदर आप एक उस पैसे को बचा के आप एक अच्छा वन टी का एस ले सकते हैं मेरे हिसाब से और आई थिंक आपके कुछ पैसे भी उसमें बच जाएंगे जो आप एक्सेसरीज पे खर्चे कर सकते हैं हाँ आ, यहाँ पे हर्ष लिख रहे हैं फाइव वन टू जी बी फेयर इनफ हर्ष दैट्स गुड कॉल बट मैं प्रेफर करता हूं कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज ऑलवेज बेटर हर्ष इज राइटिंग ओके थैंक यू सर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सींग यू ऑन लाइव येस मैं भी आपको बहुत टाइम के बाद लाइव देख रहा हूँ मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आज छोटा सा एक लाइव सेशन है जहाँ पे कुछ ही लोग हैं आई एम श्योर कि जैसे जैसे मैं लाइव करता जाऊँगा वैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे कोई उसमें दिक्कत नहीं है नेक्स्ट ऑफिशियल एप्पल स्टोर कहाँ होगा तो हर्ष मेरे हिसाब से डेली हो गया मुंबई हो गया तो अब मुझे लगता है या तो चेन्नई या बैंगलोर में जो स्टोर है वो ओपन होना चाहिए बिकॉज चेन्नई में एप्पल का प्रोडक्शन भी है तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि होगा बट बैंगलोर का जो स्टोर होने वाला है वो मेरे हिसाब से मुंबई दिल्ली से भी बड़ा हो सकता है इस्पेशली बिकॉज़ बैंगलोर में ऑलरेडी एप्पल का होल्ड है वहाँ पे एप्पल के एम्प्लॉइज़ काम भी करते हैं वहाँ पे एपल का प्रेजेंस बहुत पहले से रहा है तो चेन्नई या तो बेंगलोर मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एप्पल स्टोर आ सकता है uh... सेकेंड हैंड मैकबुक विच मॉडल एंड प्राइज रेंज टू कंसिडर सो एम वन का आप कोई भी मॉडल उठा सकते हो मैं एम वन के नीचे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज इंटेल जो मैक्स हैं वो अगर सेकेंड हैंड हैं यूज हैं तो बहुत लैक करेंगे और बैटरी लाइफ भी आपको उसमें अच्छा नहीं देखने को मिलेगा तो अगर कोई एम वन रेंज में आपको मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर मिलता है मैकबुक प्रो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको नॉट द एम वन प्रो एंड एम एम वन एम वन मैक्स जो नॉर्मल एम वन है वो आप ट्राई कर सकते हैं उसमें आपको अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा बैटरी उसमें अच्छा मैनेजमेंट अच्छा है उसमें और हीट भी इतना नहीं होता है एंड फास्ट भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपको M1 वाले जोन में कोई मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो देखने को मिलता है तो आप डेफिनेटली उसको ले सकते हैं प्राइस रेंज मैं कहूँगा कहीं इट वुड बी समवेयर अराउंड फोर्टी टू सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ उसके नीचे आप uh, बहुत मुश्किल है आपको मिलना क्योंकि एम सिर्फ एक ही जनरेशन पुराना है ओके गाइस आपके क्वेश्चंस हैं तो आप लिखिए और मैं कोशिश करूँगा उसके उसका आंसर देने का क्योंकि यहाँ पे uh, और थोड़ी देर हम करेंगे लाइव बिकॉज उसके बाद सेवन ओ हो जाएगा ओके मूवी क्लब लिखते हैं थैंक्स सर थैंक यू सो मच आने के लिए आपको यार आप आए बाहर आए मुझे बहुत अच्छा लगा uh, आप अपना स्टूडियो रूम दिखाओ सर मैंने बहुत बार ऑलरेडी दिखाया है अपने लाइव सेशन में जब मैं रेगुलरली लाइव करता था लास्ट ईयर तब एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो था मेरा ऑन द एंटायर स्टूडियो यहाँ पे स्टूडियो में स्टूडियो नहीं मेरा हॉल है घर का वहीं पे हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे आ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं अभी रिसेंटली एंड इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे पूरा सेटअप जो है वो डेस्क पर है इसका पूरा टूर मैंने ऑलरेडी दे रखा है पहले एंड थैंक यू आपने पूछा बस जरूर बनाऊंगा इस पे भी एक वीडियो आ, राज लिखते हैं हेलो डू यू थिंक सिंस एप्पल स्टोर इज ओपन इन इंडिया नाउ आईफोन 14 फोर्टीन वुड बी अवेलेबल इन इंडिया इन द फर्स्ट फेज ऑफ लॉन्च ओनली येस राज वेरी 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 गुड क्वेश्चन इनफैक्ट लास्ट ईयर भी अगर आप देखेंगे तो आईफोन फोर्टीन डे वन से अवेलेबल हो गया था इंडिया में uh, ये पहले होता था दो या तीन तीन साल तीन साल पहले जहाँ पे एक लॉन्च होता था यूएस में उसके थोड़े टाइम के बाद लॉन्च होता था आ, इंडिया में एक या दो हफ़्ते बाद और उस एक या दो हफ्ते में पागलपन बहुत होता था कि जहाँ पे लोग जाते थे ब्लैक में आईफोन ख़रीदते थे ग्रे में ख़रीदते थे एक्स्ट्रा पैसे देके खरीदते थे तो वो लास्ट ईयर से या उसके पहले साल से कम्प्लीटली बंद हो गया है एंड येस एप्पल स्टोर के खुलने के बाद ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाएगा जहाँ पे जिस दिन जब एप्पल आईफोन लॉन्च होगा यूएस में या ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी दिन यहाँ पे भी लॉन्च होगा और आप जाके जो मनपसंद कलर है आपका या मनपसंद मॉडल है या जो मनपसंद आपका आ, जो मॉडल आप लेना चाहते हैं वो जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन या आप जा सकते हैं डायरेक्टली स्टोर में और जो क्वान्टिटी है प्रोडक्ट्स की या जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की वो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है जो कि आई uh, होप कि एप्पल स्टोर आने के बाद सॉल्व हो इंडिया में क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार Uh, बहुत लिमिटेड स्टॉक आता है थर्ड पार्टी रिटेल स्टोर्स में कोई चुनिंदा कलर्स ही आते हैं जैसे कि जो फ्लैगशिप कलर्स हैं जैसे कि लास्ट टाइम पर्पल था डीप पर्पल कलर वो बहुत लोगों के पास अवेलेबल नहीं था कुछ और कलर अवेलेबल था तो वो प्रॉब्लम भी जो है वो इराडिकेट हो जाएगा एप्पल स्टोर के आने के बाद खास करके मुंबई और दिल्ली में आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस कैसे इसको मैनेज हो मैनेज कर पाएंगे लेकिन डेफिनेटली जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा एंड जो ब्लैक का ग्रे का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा इस चीज़ के वजह से एंड अवेलेबिलिटी यानी कि उस दिन जिस दिन लॉन्च होने वाला है जब जब आप देखते हैं एप्पल के आप, आईफोन के लॉन्च में ये अवेलेबल फ्रॉम और उसके बाद जो कंट्रीज़ दिखाते हैं वो अब उसमें इंडिया का फ्लैग भी नज़र आएगा कि डे वन पे ही ये लॉन्च हो जाएगा उसी इस कंट्री में भी एंड आप उसको ख़रीद सकते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे आपका सर वाइल एट बीके सी वर यू एबल टू गेट सम सुवीनियर साइंड बाई मिस्टर कुक, नो यशवर्धन एक्चुअली क्या है ना यश uh, जब मैं बीके सी गया था ना तो अभी मैं अपने एक्सपीरियंस पे आता हूँ तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है तो जब मैं बीके सी गया था तब मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो मैं एज अ कस्टमर लाइन में खड़ा हो जाऊँ या मैं एज अ यूट्यूबर या एज अ मीडिया पर्सन यू नो इवेंट को कवर करूँ तो जो लोग ऑलरेडी खड़े थे पिछले शाम रात से जो तीन लोग थे सामने उनसे मैंने बहुत बातें की एंड ऑलरेडी फिफ्टी पीपल थे जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा था तो उस टाइम पर मुझे लगा कि मैं अगर फिफ्टी फिफ्टी फर्स्ट पर्सन होता हूँ तो मेरा चांसेस बहुत कम है टिम कुक को मिलने का अगर दो या तीन या चार लोग होते तो मैं शायद ज्वॉइन भी होता अगर पंद्रह लोग भी होते तो शायद भी मैं चला जाता हूँ वहाँ पर एज अज अ कस्टमर लाइन में लेकिन uh, मैंने मीडिया चुना और मीडिया सुनने के वजह से मुझे टिम कुक को बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला उनको चीयर करने का मौका मिला जो कि वीडियो में मैंने दिखाया भी लेकिन बहुत जल्द मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट रहे मैं भी काम करूँ मेहनत करूँ ताकि मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ और मिले जहाँ पे मैं ऐसे इवेंट्स को कवर कर सकूँ ऐसे पर्सनैलिटी से जाके मिल सकूँ इंट्रैक्ट कर सकूँ और मेरे बहुत सारे सवाल हैं जो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो अनफॉर्चुनेटली जो मैं देखता हूँ दूसरे यूट्यूबर्स कर रहे हैं वो उस टाइप का सवाल नहीं पूछते हैं जो कस्टमर्स के लिए या हम जैसे लोगों के लिए जो एप्पल ख़रीदना चाहते हैं आईफोन खरीदना चाहते हैं मैक खरीदना चाहते हैं जो रियल चीज़ें हैं आई एम आई एम श्योर उनके भी कुछ लिमिटेशंस होंगे यूट्यूबर्स के कि यही सवाल आप पूछ सकते हो टिम से वगैरह जो भी uh, ब, ब, बोला होगा उनको बट एक रियल रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियन कस्टमर्स का इंडियन यूज़र्स का वो डेफिनेटली प्रेजेंट मैं करना चाहूँगा जब भी आगे मौका मिले ऐसी हस्ती से मिलने का ओके आई हैव एन एसूस लैपटॉप ऑफ फाइव हंड्रेड जी बी नाउ आई वॉन्ट टू बाय बट नॉट श्योर इफ आई हैव अनदर एन एन एम वी एन वी एम वी स्लॉट इन द लैपटॉप हाउ टू फाइंड आउट आई हैव अ साटा स्लॉट आपको इंटरनल लगाना है राइट बट साटा एस एस डी इज स्लो कंपेयर टू एन हा करेक्ट तो वो तो अगर आप तो कौन सा मॉडल है ऐसोस का वो आप मेंशन करेंगे क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूं ऐसोस में मैं उनसे डिस्कस कर सकता हूं ये चीज़ और आपको आंसर दे सकता हूं आ, लेकिन अगर आप मॉडल नंबर बता देंगे कि कौन सा है आपके ऐसोस का तो मैं या तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर लिख के दे दूंगा या आप मुझे डीएम कर सकते हैं मैं आपका ये प्रॉब्लम इंस्टाग्राम पे भी सॉल्व कर सकता हूँ लेकिन अगर आप एस एक्सटर्नल एस भी यूज़ करते हैं तब तो भी आई डोंट थिंक आपको ये प्रॉब्लम आना चाहिए लेकिन आपको अगर इंटरनली लगाना है उसको तो डेफिनेटली स्लॉट है या नहीं वो जानना पड़ेगा तो आप मॉडल नंबर मुझे बताइए कौन सा है तो मैं उसको पूछ के आपको डेफिनेटली बता दूँगा uh... आप आपके पास कितने सारे मैकबुक आई मैक तो मेरे पास दो आई मैक्स हैं एक मैकबुक प्रो है एक आईफोन है एक एप्पल वॉच है और एप्पल uh, टी है तो ये मेरा पूरा इको है एप्पल का मैकबुक uh, जनरली मैं यूज़ करता हूँ जब ट्रैवल करता हूँ जो कि आजकल बहुत कम हो रहा है लेकिन uh, ट्रैवल जब मैं करता हूँ या मीटिंग वगैरह के लिए जाता हूँ तो वो डेफिनेटली मैं लेके जाता हूँ ओके uh, okay. हरीश हाँ लिख रहे हैं डज बी के सी स्टोर प्रोवाइड कुरियर सर्विस एंड एक्सेप्ट एप्पल गिफ्ट कार्ड्स तो एप्पल गिफ्ट कार्ड्स जो है वो बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन इंडिया में एप्पल गिफ्ट कार्ड्स जो हैं वो रेगुलरली यूज़ होना शुरू हो जाएगा क्योंकि अभी एप्पल स्टोर आ गया है इंडिया में एंड कुरियर सर्विस जो है uh, मतलब कोई स्टोर कुरियर सर्विस ऑफर नहीं करता है आप जब भी ऑर्डर करेंगे एप्पल के वेबसाइट पे तो आपको दो ऑप्शंस दिया जाएगा अभी आपके पिन कोड के बेसिस पे कि क्या आप उस चाहते हैं कि ये घर पे डिलीवर हो या ये आप पिकअप करेंगे स्टोर से तो स्टोर कुरियर सर्विस नहीं देता है तो आप पिकअप कर सकते हैं स्टोर से या आप चाहें तो डायरेक्टली घर पे भी मंगा सकते हैं जो नॉर्मल कुरियर होता है जो ब्लू ब्लूडार्ट का नॉर्मली मैंने देखा है एप्पल का डिलीवरी होता है और वो बहुत सही तरीके से होता है उनका प्रोसेस बहुत ही अच्छा है बट स्टोर से कुरियर सर्विस आपको नहीं देखने को मिलेगा आ, मैंने सुना है कि 14 प्लस को निकाल को नकली आईफोन बोल रहा है सर लोग फोर्टीन प्लस को नकली आईफोन बोल रहे यार ऐसा तो मैंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं कि 14 जो है नक फोर्टीन प्लस नकली आईफोन है क्यों ऐसा कुछ मतलब मैंने तो नहीं सुना है शायद मैं ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं देता हूँ लेकिन जो भी लोग बोल रहे हैं उसको आप इस तीन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए फोर्टीन प्लस जो है बहुत ही पॉपुलर मॉडल है बहुत लोगों ने आईफोन फोर्टीन प्लस लिया है स्क्रीन साइज के लिए और प्रो से भी ज्यादा बिका है मेरे हिसाब से इस साल सर आर यू फेसिंग बग ऑन इन एस्ट्रोनॉमी वॉलपेपर इन आईओ सिक्सटीन पॉइंट फोर पॉइंट वन स्टेबल इट्स रियली अनोइंग नोटिफिकेशन पार्ट्स पार्ट्स ईच एंड होम स्क्रीन अर्थ नॉट सिंकिंग एंड नॉट से मेनी यूजर्स रिपोर्टेड ऑन रेडिट ओके सो so, ये हो सकता है बिकॉज़ ये बग मैंने सुना है कि लोग फेस कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी वॉलपेपर पे मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ बिकॉज उससे बैटरी बहुत ज़्यादा ख़र्च होती है तो मैं ट्राई करूँगा क्योंकि मैं भी 16.14 पॉइंट फोरटीन पे ही हूँ फिलहाल जो मेरा वॉलपेपर है वो ये वाला है जो बी वाला वॉलपेपर है वो है क्योंकि ये मैंने उस दिन चेंज किया था मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा और मैंने सुना है कि लोग को ये चीज़ फेस हो रही है बट uh, अगर बग है तो आई थिंक इट विल बी सोल्ड वेरी सुन बट मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं बैटरी कंसिड्रेशन के वजह से ओके ओके सो आई हैव नोटेड डाउन द मॉडल नंबर आई फेवर फाइव जीरो आई विल डू दैट फॉर यू आई ए आई ओ ए के आई जस्ट वन रिक्वेस्ट आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो प्लीज मुझे डीएम करिए uh, फ़ॉलो करके डीएम करिए ताकि मैसेज मेरे पास पहुंच जाए क्योंकि मैसेजेस जो हैं वो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे टॉप में या मतलब मेरे पास पहुंचते नहीं हैं मैसेजेस अनफॉर्चुनेटली और मिस हो जाता है तो लोगों को लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूं ऐसा कुछ नहीं है जो लोग ने मैसेज फॉलो करके मैसेज किया है जो मेरे पास पहुँच गए हैं मैं उनको हंड्रेड रिप्लाई करता हूँ तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे अभी बहुत टाइम से किया नहीं है ये आज ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है प्लीज़ आप इस पर आप फॉलो करिए और एक डीएम कर दीजिए मुझे ओके राइट विच इज द बेस्ट ब्राउजर ऑन मैकबुक आई एम फेसिंग ब्राउजिंग इश्यूज़ ऑन सफारी एंड ब्रेव आई एंड आई डोंट वांट टू यूज क्रोम प्लीज सजेस्ट सो सफारी डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग क्रोम डेफिनेटली बैटरी बहुत ड्रीन करता है तो क्रोम में आपको डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा सफारी uh, भी आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है या ब्रेफ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर देन आपको एक कौन सा अच्छा है मतलब मतलब आप क्या सर्च करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है बिकॉज देर आर अदर ब्राउजर ऑल्सो मैं क्विक यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ आपके लिए और बैक. आप चाहें तो फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं बेटर है वो इन टर्म्स ऑफ क्रोम बट फायरफॉक्स मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते हुए नहीं देखा है फायरफॉक्स रिलेटिवली लाइटर है क्रोम से uh, या माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो तो करिए लेकिन मैं पर्सनली मैक पे एज uh, यूज़ नहीं करना पसंद करता हूँ बट uh, आप ये दोनों चीज़ ऑफर यूज़ uh, करके देख सकते हैं फायरफॉक्स लाइटर वर्जन है कंपेयर टू क्रोम सैमसंग ए फिफ्टी इज आस्किंग एप्पल स्टोर कैसा था बहुत मज़ेदार था भाई बहुत ही अमेजिंग था स्टोर uh, में जाने का मौका मिला वो उसके लिए मैं लकी मानता हूँ अपने आप को बिकॉज इतनी भीड़ थी इतनी गर्दी थी इतना लोग कूद रहे थे एक दूसरे के ऊपर वो uh, मतलब नज़ारा देखने लायक था और मुंबई में अगर आप हैं तो आप जानते हैं कि मुंबई जो हीट अभी है मुंबई में वो बहुत ज़्यादा है uh, तो सुबह ही चला गया था सुबह से लेकर दोपहर दोपहर तक मैं वहाँ पे था आ, पानी की व्यवस्था भी थी वहाँ पे लेकिन पानी पीने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे इवेंट कवर करना था बहुत अच्छा इवेंट लगा बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था बहुत सारे मीडिया के लोग आए थे मीडिया के लोग पागल हो रहे थे और मैं लकी था कि कुछ ऐसे लोग मुझे मिल गए एप्पल की तरफ से जिनको शायद मेरा पैशन अच्छा लगा या मेरा काम अच्छा लगा जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आगे आके रिकॉर्ड करने का क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल क्रिएटर था मेरे साथ कोई टीम नहीं गया था जैसे लोगों के जैसे न्यूज़ चैनल्स के लोग जा रहे हैं या कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस अगर आप देखेंगे तो दो या तीन लोग साथ में गए थे शूट करने के लिए तो मैं एक इंडिविजुअल क्रिएटर था मैं अपना आईफोन लेके गया था और एक अच्छा माइक्रोफोन लेके गया था रोड का बस वो मैंने लगा के मैं अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा था जो शायद उनको अच्छा लगा देख के और उन्होंने अपॉर्चुनिटी दे दिया कि भाई आओ और आप अपना काम कर लो एंड स्टोर तो बहुत ही अच्छा था यार मतलब इट्स वज वेरी ब्यूटिफुल वेरी वेरी प्लेजेंट वेरी आर्टिस्टिक बहुत ब्यूटिफुली डिज़ाइन किया गया है सीलिंग uh, बहुत अच्छा है ट्रीज हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं एनर्जी बहुत पॉजिटिव थी स्टाफ में आई uh, होप इसको वो मेंटेन करके रखे बिकॉज Uh, कुछ कुछ चीज़ें जो है स्टार्ट में बहुत अच्छी लगती हैं देन इट बिकम्स लिटिल टेपरिंग एंड बहुत स्टैगनेंट हो जाता है तो वो ना हो लोगों में एनर्जी बनी रहे एंड वही पैशन से लोग काम करें बिकॉज एप्पल स्टोर का एप्पल स्टोर का डिफ्रेंसिएशन ही वो है कि जो स्टाफ है उनका जो बिहेवियर है कस्टमर्स के साथ वो बहुत वो बहुत मैटर करता है बहुत अच्छा लगता है एंड दैट इज़ वेयर एप्पल हैज़ एन एज ओवर अदर ब्रांड्स इन द इन द रिटेल स्पेस टू बी वेरी ऑनेस्ट वाइल अंडर वारंटी डू एप डपल रिप्लेस बैटरी फॉर फ्री इफ द बैटरीसेंट येस दे डू अगर वारंटी में है और आपकी बैट, आपकी बैटरी हेल्थ जो है वो 80 परसेंट से नीचे चली जाती है तो एप्पल उसको डेफिनेटली रिप्लेस करके देता है ओके okay, क्योंकि आईफोन 13 प्रो जैसा कलर है बैक साइड में दोनों कैमरा है इसीलिए लोग नकली बोल नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्त Uh, ऐसा कुछ भी नहीं है आई फोन फोर्टीन प्लस इज़ अ वेरी वेरी गुड मॉडल बहुत बहुत बिका है काफ़ी लोगों ने ख़रीदा है मैं खुद मैंने खुद देखा है लोगों को यूज़ करते हुए एंड uh, ऐसा कुछ भी नहीं है तो ऐसे रूमर्स पे आप ध्यान मत दीजिए अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए आप ठीक है राज तनवर लिखते हैं यू आर वेरी हम्बल एंड आई लव योर वीडियोज़ प्लीज़ सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव टू आई क्लाउड स्टोरेज आएगा रे बाप रे बाप आई क्लाउड स्टोरेज एंड हाउ टू सीमलेसली ट्रांसफर डेटा हैव यू मेड एनी वीडियो अबाउट इट तो आई क्लाउड स्टोरेज का मैंने ऑल्टरनेटिव वीडियो नहीं बनाया है उसके दो कारण हैं uh, मतलब दो कारण है पहली बात तो आई क्लाउड जैसा कोई सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगा जब मैं कहता हूँ कि आई क्लाउड जैसा सर्विस तो आई क्लाउड जो है वो सिर्फ एक स्टोरेज एरिया नहीं है एक हार्ड ड्राइव इन द क्लाउड नहीं है ठीक है उसमें सर्विसेज भी आते हैं जैसे आ, आपके आपके जो फोटो सिंकिंग है जब आप फ़ोटो लेते हैं तो वो क्लाउड पर जाता है और वो सारे डिवाइसेस पे नज़र आता है आपका जो हैंड ऑफ वाला फीचर है जहाँ पे आप अगर आप आईपैड पे कुछ कॉपी करते हैं तो उसको आप आईफोन पे, पे पेस्ट कर सकते हैं आईफोन पे अगर आप कॉपी करते हैं तो मैक पे पेस्ट कर सकते हैं ड्रॉप जो हो गया वो सारी चीज़ें जो है वो एक आई क्लाउड सर्विस के अंदर आती है जिसके वजह से आई क्लाउड का रिप्लेसमेंट या ऑल्टरनेटिव आपको नहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे ये सारे सर्विसेज आपको मिलेंगे हाँ आप दूसरे क्लाउड सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप उसको सिर्फ एज अ स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे आपको ये सिंकिंग एयर ड्रॉप हैंड ऑफ़ ये सारे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे तो आप गूगल का क्लाउड ले सकते हैं वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं डेटा को जहाँ पे आपको पंद्रह जी आई थिंक मिलती है वहाँ पे आप उसको स्टोर स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं बट आप ऑब्वियसली बैक एंड फोर्थ चीज़ों को वहाँ से डिलीट या एक्सेस नहीं कर पाएंगे आपको एक सेपरेट ऐप लगेगा जिसकी मदद से आप उसको कर सकते हैं और आई क्लाउड जो है काफ़ी पर्सनल चीज़ है इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया नहीं है पर्सनली अगर आप अगर जैसे यश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे टीम कुक से तो आई क्लाउड इज़ अ डेफिनेट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा लोगों की तरफ से बिकॉज इंडिया में लोग लोग जिस हिसाब से फोटोज़ लेते हैं वो अनगिनत है बर्थडे हो ईद हो दिवाली हो आ, बैसाखी हो पौंगल कुछ भी हो लोग फ़ोटो डेफिनेटली लेते हैं और फोटोज़ लेते हैं वीडियोस लेते हैं इतना काम करते हैं अपने आईफोन या आईपैड पे या मैक पे कि उनका जो आई स्टोरेज है वो फुल हो जाता है और जो इंक्रीमेंटल परचेज है बहुत ही ज़्यादा महंगा है मेरे हिसाब से तो उन चीज़ों के बारे में मैं डेफिनेटली एज अ पर्सनल लेवल डिस्कस करना चाहूँगा कभी अगर मौका मिलेगा तो क्योंकि ये चीज़ें कोई डिस्कस करता नहीं बिकॉज इज आर ऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजन्स बिजनेस डिसिजन्स जो लोग ले ले चुके हैं लेकिन जो एक्चुअल यूजर के प्रॉब्लम्स हैं वो आना चाहिए बिकॉज जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हरकी होती है जहाँ पर लेवल्स होते हैं तब जो मेन मुद्दा होता है वो ऊपर आते आते फेड हो जाता है और जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो कभी भी हाईलाइट नहीं होता है ज़्यादा करके पॉजिटिव चीजें ही हाईलाइट होती हैं जो चीजें जिसपे इंप्रूव किया जा सकता है या जो लोगों के एक्चुअल पेन पॉइंट्स हैं उस पर काम नहीं होता है तो आई क्लाउट इज डेफिनेट पेन पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी फॉर इंडियन यूजर्स जो लोग uh, इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो जिनको पसंद है लेकिन स्पेस बहुत ज्यादा कंस्टेंट है मनी इज वेरी वेरी कॉस्टली मैं कहा हूं हाँ सर आई वॉन्ट टू अपलोड ओनली सेलेक्टेड फोटोज टू आई क्लाउड एंड नाउ इट्स फुल हाउ कैन आई सो सेलेक्टेड फोटोज़ को आप फिलहाल अपलोड ऐसा सेलेक्टिवली नहीं कर सकते हैं या तो आई क्लाउड पूरा सर्विस आपको यूज करना पड़ेगा जहाँ पे फोटोज वीडियोज फाइल्स जो डेस्कटॉप पे है या आई क्लाउड ड्राइव पर है वो सिंक होगी सेलेक्टिवली uh, आप नहीं कर पाएंगे तो मेरे हिसाब से मेरा ये सिंपल सजेशन आपके लिए रहेगा जो मैं खुद भी करने वाला हूँ अभी कुछ टाइम के बाद जितने भी आपके आई क्लॉड के फोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं उनको आप अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लीजिए या कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लीजिए और उसको आप अलग से सेव कर लीजिए एक हार्ड ड्राइव में क्योंकि वो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं जो रिसेंट एक साल के फ़ोटोज़ होते हैं वही ज़्यादा करके लोग यूज़ करते हैं और जब आपका मन करे तब आप उनको जाके देख सकते हैं अपने पीसी पे या कंप्यूटर पे जब जहाँ पे भी आपने हार्ड ड्राइव पे रखा है इससे आप सेव कर सकते हैं अपने जगह को कोई और ऑप्शन तो मेरे हिसाब से नहीं है जहां पे आप सेलेक्टिवली अपलोड कर सकते हैं किसी फोटोज को या वीडियोज को ओके फोर्टीन प्लस का प्राइस कम कब होगा तो मई जून में आप देख सकते हैं प्राइजिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा ओके आफ्टर फिफ्टीन अच्छा बिग बिलियन डे अच्छा लिख दिया आपने आंसर लिख दिया बहुत बढ़िया हर्ष मेहताब खान हाय सर हाउ यू सर मैक मिनी एम टू लेना चाहिए क्या कैजुअल वर्क के लिए कैजुअल वर्क के लिए आपको लेना है तो आप मैकबुक एयर ले लो यार काम आप कर सकते हो मैक पे नहीं लोगे तो एक मॉनिटर लेना पड़ेगा एक माउस लेना पड़ेगा एक कीबोर्ड लेना पड़ेगा वेब कैम लेना पड़ेगा वो सारी चीजें तामझाम झाम है जो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी एक मैकबुक एयर ले लो और आप उसमें आराम से यूज करो एम वन भी आप ले सकते हो कैजुअल वर्क है तो एम वन मैकबुक एयर आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा अभी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है मुझे लिंक का सॉरी मुझे केस का लिंक दे दीजिए प्लीज तो मूवीज क्लब एक रिक्वेस्ट है आपसे अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप यहाँ पे फॉलो करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड मैं आपको वहीं पे लिंक जो है सेंड कर दूँगा ठीक है तो गाइज अभी मेरे हिसाब से एक घंटा हो चुका है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके लाइव आके बहुत टाइम के बाद जिन लोगों ने भी क्वेश्चन पूछा जो लोगों ने भी लाइव ज्वाइन किया थैंक यू सो मच मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो और जैसे जैसे मैं रेगुलरली लाइव करना शुरू कर दूंगा लोग आना शुरू कर देंगे जैसे पहले आते थे एंड अच्छा लगा लाइव आके एप्पल स्टोर खुल गया है इंडिया में मुंबई दिल्ली में बहुत ही मज़ा आया देख के दोनों स्टोर्स को तो अगर आप मुंबई या दिल्ली में कहीं पे भी हैं तो आप ज़रूर जाना अगर मुंबई में है तो मुझे डीएम करिए अभी मुझे मेरा मीटअप का प्लेस भी मिल गया है मुंबई बी के सी एप्पल स्टोर वहाँ पे मैं डेफ़िनेटली मीटअप भी करूँगा आप लोगों से अगर आप आ रहे हैं वहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे वुड यू लाइक टू शेयर एनी न्यू इनोवेशन कमिंग इन आई फ़ोन तो आई फोन में जो आईफोन 15 प्रो में इनोवेशन है 15 का तो मुझे पता नहीं है जो कैपेसिटिव टच बटन्स हैं जो फ्लसड आउट होने वाले हैं जो खास करके वॉल्यूम बटन और साइड uh, बटन जो है वो एज अ फिज़िकल बटन नहीं होने वाले हैं तो वो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनोवेशन मुझे लग रहा है एंड म्यूट बटन भी जो है जो फ़िलहाल आप म्यूट जिस तरह से करते हैं वो भी चेंज होने वाला है एंड आई थिंक दैट इज़ बी लाइक अ फंक्शन बटन जो एप्पल वॉच पे uh, अवेलेबल है एप्पल वॉच अल्ट्रा पे अवेलेबल है जो कि एक फंक्शन बटन जैसा या मल्टीपर्पज़ बटन जैसा आप उसको सेटअप कर सकते हैं शॉर्टकट्स आई थिंक असाइन कर सकते हैं उसमें या कुछ कुछ चीज़ें उसमें आप uh, उसको अलग तरीके के फंक्शन के लिए असाइन कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हैं uh, अगर आपको स्पीड डायल करना है या फेवरेट्स को कॉल करना है तो वहाँ से कर सकते हैं ऐसी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ तो कर सकते हैं ऐसा मैंने पढ़ा है तो ये अगर इनोवेशन आ गया तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे आईफोन फिफ्टीन प्रो पे फिफ्टीन पे इतना कोई इनोवेशन मुझे नहीं लगता है एक्सेप्ट फॉर यू एस बी सी बस उतना ही मुझे लगता है होना लाजमी है तेन दिन काल दिन दिखते हैं शुड आई हैव टू बाई आई पैड प्रो एम टू इलेवन इंच थ्री राइट नाउ और शुड आई वेट ना तो आप आई पैड प्रो ले सकते हो आई पैड प्रो में अभी नया मॉडल तो इमिजिएटली आने का चांस बहुत कम है आई थिंक अक्टूबर नवंबर के बाद ही आएगा उसके पहले तो आने का चांसेस कम है तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अब ले सकते हैं आ, कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है लेने में आई थिंक 2022 ट्वेंटी टू हाँ ट्वेंटी नहीं ट्वेंटी करेक्ट ठीक ठीक है सो थैंक यू गाइज आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आज आप लोग आए लाइव स्ट्रीम पे एग्जैक्टली सेवन ओ हो गया है एंड एक घंटे के ऊपर हमने स्ट्रीम कर लिया है ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए सपोर्ट करिए वन लैक हंड्रेड थाउजेंड जो है हंड्रेड के वो बहुत नज़दीक है बहुत ऑलमोस्ट uh, रीच कर गया हूँ मैं आप लोगों के सपोर्ट के साथ तो अगर आप ऑल सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत जल्द उस माइलस्टोन को भी पार कर लेंगे और फिर uh, ऐसे वाले वीडियोस लाइव सेशंस ट्यूटोरियल्स हैक्स बेस्ट एप्स और ऐसे एप्पल इवेंट्स को भी मैं कवर करना uh, छोड़ूंगा नहीं आप लोगों के लिए बहुत uh, मजा आता है मुझे करने में थैंक यू सो मच आने के लिए सर एनी कमेंट्स अबाउट कंपनीज ओपनिंग ओपनिंग न्यू ओपनिंग स्टोर नियर Apple Store. If you see any other stores, name it. So any comments about about companies open stores near Apple Store? So, so जो BKC का store है उसके पास तो बहुत सारे companies हैं जैसे Starbucks है, बहुत सारी companies हैं यार और वहाँ पे तो footfall definitely अब increase होने वाला है जहाँ जहाँ पे भी अभी एप्पल स्टोर खुला है बीके का मॉल आप ले लो जैसे अपना जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल ले लो या न्यू अपना साकेत में आ, साकेत का भी मॉल आप ले लो सिटी वॉक मॉल जो है उनमें फुटफॉल्स आपको भर भर के देखने को मिलेगा अगले छः महीने तक उनका फ़ुटफॉल्स बहुत बढ़ जाएगा जिसके वजह से दूसरे स्टोर्स को भी फ़ायदा होगा तो आई थिंक दिनेश आप यही पूछना चाह रहे हो तो अगर कोई स्टोर्स वहाँ पे खोलने वाले हैं तो उनके लिए डेफिनेटली फ़ायदा ही है बिकॉज जो लोग एप्पल स्टोर आ रहे हैं देखने के लिए वो कुछ तो टाइम बिताएंगे मॉल में कुछ और जगहों पे भी जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे जैसे कोई एपरल्स हो गया या जूते हो गए या खाना हो गया कॉफ़ी तो पिएंगे कम से कम तो उनका भी जो है भला हो जाएगा फ़ायदा हो जाएगा मेरे हिसाब से ठीक है गाइस थैंक यू सो मच आने के लिए चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो स्ट्रीम को लाइक करो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ यार और मैं ये मेरा पर्सनल व्यू था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मुझे कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस क्या था एप्पल स्टोर का मुंबई में और कैसा है वो कंपेयर करके अगर हम दिल्ली से कंपेयर करते हैं एंड आईफोन प्राइजिंग के बारे में मुझे बात करना था जो मैं कर चुका हूँ तो अगर आप ये बाद में देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं आपसे मिलने आऊँगा ट्यूज़डे को फाइव फिफ्टी को एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए एक और क्वेश्चन आ आगे हाय भैया आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है थैंक यू दीपेश थैंक यू सो मच आज का वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ आपसे मिलने आऊँगा मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए थैंक यू